बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू ड्रीम अचीवर्स बाय मोहम्मद अदनान। हमने डेमोक्रेसी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इससे पहले 3 लेक्चर्स के अंदर हमने डेमोक्रेसी के बारे में बड़ा ब्रीफ डिस्कशन किया था। सबसे पहले हमने डिस्कशन किया व्हाई डिड डेमोक्रेसी स्प्रेड, उसके बाद हमने दूसरी चीज़ डिस्कस की, सेकंड लेक्चर के अंदर डिस्कस किया द लॉन्ग रोड टू डेमोक्रेसी, जिसके अंदर हमने 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेसीज़ को डिस्कस किया, 2 रेवोल्यूशंस को डिस्कस किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, 1848 की रेवोल्यूशन, इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। उसके बाद 3rd लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया रेवोल्यूशन डेमोक्रेसी फ्रॉम 1848 टू 2011 विच वाज अरब स्प्रिंग। तो हमने अरब स्प्रिंग को डिस्कस किया कि अरब स्प्रिंग के अंदर, जिसको हम अरब स्प्रिंग को 4th वेव ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, तो उसको डिस्कस किया। आज हम उससे लास्ट सीरीज़ डेमोक्रेसी की, इस सीरीज़ के लास्ट लेक्चर को हम देखते हैं, विच इज़ बेसिकली द मिडिल क्लास एंड द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी। इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट हाउ द वर्किंग क्लास बिकेम द मिडिल क्लास। फर्स्ट चीज़ हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ हाउ द वर्किंग क्लास बिकेम द मिडिल क्लास इन डेवलप्ड वर्ल्ड। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे कि कार्ल मार्क्स प्रेडिक्शन अबाउट द मिडिल क्लास। थोड़ा सा हम माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे, और एट द एंड हम फ्यूचर ऑफ मिडिल क्लास सोसाइटीज़ एंड फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी को थोड़ा सा भी डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है और थ्रेटनिंग सब्जेक्ट्स क्या हैं डेमोक्रेसी के। तो हम अपने पहले पॉइंट की तरफ आते हैं, विच इज़ हाउ द वर्किंग क्लास बिकेम द मिडिल क्लास इन डेवलप्ड वर्ल्ड। देखें, बिफोर फर्स्ट वेव, सेकंड वेव एंड थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, हम पिछले लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स 3 टाइप्स ऑफ क्लासेस वर एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट क्या थी? फर्स्ट हमारी थी ओल्ड अरिस्टोक्रेसी क्लास, और इसको कहते थे ओल्ड लैंड ओनर क्लास। सेकंड क्लास हमने डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, दैट इज वर्किंग क्लास। थर्ड क्लास को डिस्कस किया था एज अ बोर्जवा क्लास एंड प्रोलीटेरिएट क्लास। बोर्जवा क्लास था जो इंडस्ट्रियल इलीट क्लास था, एंड प्रोलीटेरिएट क्लास थी जो बोर्जवा की इंडस्ट्री के अंदर जो वर्किंग क्लास थी, उनको हमने प्रोलीटेरिएट क्लास में लिया था। उसके बाद पोस्ट मार्क्सिज्म के अंदर मिस्टर मोरे साहब थे जिन्होंने कहा कि नहीं, सोसाइटी हैज़ 4 टाइप्स ऑफ क्लास। अब 4 टाइप ऑफ क्लास के अंदर मोरे साहब ने कहा कि हाउ कार्ल मार्क्स फॉरगेट अबाउट द पीजेंट क्लास विच इज़ ऑलमोस्ट 50-60% ऑफ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो उन्होंने कहा नहीं, 4 टाइप्स की क्लासेस हैं। 1 ओल्ड अरिस्टोक्रेसी, ओल्ड लैंड ओनर, बोर्जवा क्लास, प्रोलीटेरिएट मीन वर्किंग क्लास, एंड 4th क्लास वाज पीजेंट क्लास और एग्रेरियन क्लास। आप देखें, जितनी भी बड़ी रेवोल्यूशंस हुई हैं वो सारी पीजेंट से हुई हैं। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, ये सारी रेवोल्यूशंस जितनी भी आपको नज़र आती हैं पीजेंट से एग्जिस्ट हैं। अब यहाँ पे एक बात इमर्ज होती है कि ये जो 3 क्लासेस हैं जो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, या 4 क्लासेस अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, ये चाहती क्या हैं? अब ये चारों की चारों क्लासेस जो हैं वो एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं चाहती होगी। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि डिफरेंट हमें सोशलिस्ट, डिफरेंट ऑथर से हमें इस चीज़ का पता चलता है कि जो हम लैंडेड अरिस्टोक्रेसी है, ओल्ड लैंड ओनर्स हैं, दे डिमांड अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कि उनकी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होगी जिसकी वजह से वो जो नीचे वाली क्लास होगी उसके ऊपर हुकूमत करेंगे। अब हम दूसरी क्लास की तरफ आ जाते हैं, दैट वाज बोर्जवा क्लास।
जिन्हें हम इंडस्ट्रियलिस्टिक इलीट का नाम भी देते हैं, तो उनकी डिमांड थी, दे डिमांड रूल ऑफ लॉ, नॉट कंप्लीट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की तो उनकी डिमांड थी भी नहीं, वो कहते थे रूल ऑफ लॉ, बिकॉज रूल ऑफ लॉ विल प्रोटेक्ट देयर लाइव्स, देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी फ्रॉम द लो क्लास। अच्छा, अगर हम थर्ड क्लास के ऊपर आ जाएं, प्रोलिटेरिएट क्लास के ऊपर आ जाएं, वर्किंग क्लास में, तो वर्किंग क्लास तो सोशलिज्म की डिमांड करती थी, और अगर इससे नीचे आ जाएं पीजेंट क्लास और एग्रेरियन सोसाइटी के ऊपर आए तो दे वांट कम्युनिज्म। सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म नियर अबाउट कनेक्टेड थिंग्स, तो ये डिमांड करते थे। अब बात यहाँ पे ये, और अगर बाद में आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, लोगों की परचेजिंग पावर बेहतर हुई, लोगों की डिमांड बेहतर हुई, लोगों की जो सोशल मोबिलाइजेशन के इंडिकेटर्स थे वो बेहतर हुए, लाइक एजुकेशन, लाइक हेल्थ, लाइक देयर मूवमेंट, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ फैसिलिटीज सारी बेहतर हुई, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो वर्किंग क्लास थी वो विद द टाइम कन्वर्ट होती गई मिडिल क्लास के अंदर। अब यहां तक ये जो हमने अभी तक की सारी डिस्कशन की है, इस डिस्कशन के अंदर कंप्लीट डेमोक्रेसी कहीं भी नहीं मिलती। अथॉरिटेरियन मिलता है, सोशलिज्म मिलता है, रूल ऑफ लॉ मिलता है, कम्युनिज्म मिलता है, डेमोक्रेसी तो हमें मिलती नहीं है। अच्छा, अब होता क्या है कि जैसे जैसे वर्किंग क्लास डिवेलप होती है तो एक नई क्लास इमर्ज होती है, दैट वाज मिडिल क्लास। और वो जो मिडिल क्लास है वो डिमांड, जब उनकी एक डिमांड पूरी हो जाती है रूल ऑफ लॉ की, प्रॉपर्टी, देयर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी की जब डिमांड पूरी होती है, तो वो एक नई डिमांड लेकर आते हैं, दैट वाज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। और वो जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो एक लिबरल डेमोक्रेसी की बुनियाद रखती है। अब लिबरल डेमोक्रेसी की बुनियाद यहां से निकलती है कि मिडिल क्लास इमर्ज होती है। अब दैट वाज द कंप्लीट बैकग्राउंड सिनेरियो ऑफ और कंप्लीट रूल ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रॉम द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी टू द लिबरल डेमोक्रेसी। अब यहां पे हम डिस्कस एक आगे और बात करते हैं, कार्ल मार्क्स साहब एक मजीद बात करते हैं जो अपनी वो थ्योरी के अंदर मार्क्सिज्म के अंदर डिस्कस करते हैं, और इसके बाद ये आपको लेनिनिज्म के अंदर भी नजर आती है। मार्क्सिज्म के अंदर कार्ल मार्क्स साहब बात करते हैं, वो कहते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और ये माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर भी चीज आपको नजर आती है। माल्थस साहब ये कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि माल्थस से जो पहले वाले जितने थ्योरिस्ट थे वो ये बात करते थे कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे वेल्थ इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि लोग उतना ज्यादा काम करेंगे और उतनी ज्यादा वेल्थ जनरेट होगी। बट माल्थस साहब ये बात करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जैसे जैसे टाइम पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, नेचुरल रिसोर्सेज कम होंगे, लेबर की सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो लेबर है वो जो वर्किंग क्लास को मिडिल क्लास के अंदर कन्वर्ट किया था वो मिडिल क्लास अगेन वापस वर्किंग क्लास के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन है कि जब लेबर की सप्लाई बढ़ जाएगी एलीट बोर्जवा के अंदर, तो उनकी लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ी तो कॉस्ट कम हो जाएगी, फिर बोर्जवा क्लास उस जो वर्किंग क्लास है, प्रोलिटेरिएट क्लास है, उसको अपने हिसाब से यूज कर सकता है। अब इससे क्या होगा? इससे डिजीज पैदा होंगी, इनकम इनइक्वालिटी होगी, और इससे फिर क्या होगा फर्दर? इससे नेक्स्ट स्टेप होगा कि जो वर्किंग क्लास है वो मजीद हार्ड वर्क करेगी,
जब वो अपनी नीड्स के लिए, अपने आराम के लिए मजीद काम करेगी तो फर्दर उनकी सप्लाई और बढ़ेगी, और उससे क्या होगा, मजीद काम करने से ओवर प्रोडक्शन होगी। अब मैं इसको बड़ा एक वे से चल रहा हूँ, स्मूथ वे से, काइंडली इसको बिल्कुल समझते जाइएगा कि मैंने पहले पहले बात की कि हमने सबसे पहले क्या हुआ कि वर्किंग इन सॉरी माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ से जब पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ से लेबर कॉस्ट क्या हो, सप्लाई बढ़ जाने की वजह से लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब लेबर क्या करेगी, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए मज़ीद हार्ड वर्क करेगी। जब लेबर मज़ीद हार्ड वर्क करेगी तो इसकी वजह से बोर्जवा के अंदर ओवर प्रोडक्शन होगी। अब ये जो ओवर प्रोडक्शन है, ये मजीद एक कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी से रिलेटेड एक नए कॉन्सेप्ट इससे इमर्ज होता है, दैट वाज ग्लोबलाइजेशन। कैसे कि जब ओवर प्रोडक्शन होगी और जहां पे जाके प्रोडक्ट बढ़ जाएगी और डोमेस्टिक नीड से वो प्रोडक्ट ज्यादा होगी, तो उस प्रोडक्ट को क्या होगा, जो बोर्जवा क्लास है वो दूसरे कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे, भेजना स्टार्ट कर देंगे, उसको ग्लोबलाइज कर देंगे। इससे क्या होगा, जब ट्रेड डिफरेंट कंट्रीज के साथ बढ़ेगी तो इससे नया कंसेप्ट इमर्ज हो जाएगा और जो हो गया था, दैट वाज ग्लोबलाइजेशन। और लेनिन, मिस्टर व्लादिमीर लेनिन, जो रशिया के एक बहुत बड़े लीडर थे, जिस इनकी थ्योरी को लेनिनिज्म भी कहा जाता है, तो मिस्टर लेनिन साहब ने भी यही बात की थी कि उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे ओवर प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, और उन्होंने इसके ऊपर एक कंसेप्ट दिया था, और वो कंसेप्ट हमारे इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट से कंप्लीटली चेंज था। वो कहते थे, व्लादिमीर लेनिन साहब कहते थे कि सप्लाई एक्सीड्स डिमांड। पहले हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि डिमांड एक्सीड डिमांड, जैसे जैसे बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। वो कहते हैं, लेनिन साहब कहते हैं ऐसा नहीं है, जो रिजल्ट है वो इससे उलट है। वो कहते हैं कि जैसे जैसे सप्लाई बढ़ जाएगी तो ये जो बोर्जवा क्लास है ये अपनी डिमांड बढ़ा देते हैं ग्लोबलाइज्ड होकर। तो यहाँ पे हम फिर, ये उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो इकोनॉमिक सॉरी ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या होता है कि इंक्रीज द लेवल ऑफ इनइक्वालिटी। और फिर फर्दर इससे क्या होगा, वो कार्ल मार्क्स साहब यहीं पे एक छोटा सा सॉल्यूशन देते हैं। वो कहते हैं कि द ओनली वे आउट ऑफ दिस क्राइसिस वाज अ रेवोल्यूशन दैट वुड गिव पॉलिटिकल पावर टू प्रोलिटेरिएट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट द फ्रूट ऑफ कैपिटल सिस्टम। अब इसके अंदर क्या होगा कि इस रेवोल्यूशन को कम करने के लिए फिर हमें जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसको, प्रोलिटेरिएट क्लास को बेहतर करना पड़ेगा, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्सेज की वो क्या हो जाएगी, बेहतर। अब इस ड्यूरेशन के अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स हुई प्रोलिटेरिएट क्लास के अंदर। ये प्रोलिटेरिएट रेवोल्यूशंस के बाद की बात कर रहा हूं कि जब प्रोलिटेरिएट की रेवोल्यूशन हुई, मतलब वर्किंग क्लास और एग्रेरियन सोसाइटी की रेवोल्यूशन हुई, तो उससे कुछ अच्छे रिजल्ट नज़र आए। सबसे क्या हो, पहले क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेबर इनकम जो है वो बेहतर हो गई, स्पेशली यूके के अंदर, यूएसए के अंदर, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, इन कंट्रीज़ के अंदर। इटली अभी भी पीछे रह जाता है यहाँ पर इस सिनेरियो के अंदर। उसके बाद एजुकेशन, जो सोशल मोबिलाइजेशन के इंडिकेटर हैं, एजुकेशन हेल्थ, वो बेहतर हो जाती है। उसके बाद जो द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंचाइजर एंड द फ्रेंचाइजी, वो डेवलप हो जाता है, जिससे फ्रेंचाइज एक्सपेंड हो जाती है और पॉलिटिकल पार्टीज़ में डिफरेंट पर्संस, जिनके अंदर एग्रेरियन पर्संस, वर्किंग क्लास पर्संस, हर तरह के जो हैं वो उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस टाइम के अंदर आफ्टर द वेरी रेवोल्यूशन बेहतर हो जाता है। उसके बाद जो
नेशनलिज्म का जब कंसेप्ट आता है, आफ्टर नेशनलिज्म एक डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है, दैट वाज अ लिबरल डेमोक्रेसी। जैसे ही वर्ल्ड वार टू के बाद मैसोलिनी जर्मनी के अंदर, हिटलर साहब, नेपोलियन साहब, इनकी जैसे ही नेशनलिज्म का, अथॉरिटेरियन का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वार टू के बाद कहीं ना कहीं कम होता है, तो उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट एमर्ज होता है, दैट वाज लिबरल डेमोक्रेसी। और लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर कुछ काम किए गए जिसके अंदर सबसे पहले था ब्लैक एम्पावरमेंट, इंग्लिश मैन राइट्स को चेंज करके ब्लैक एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म एंड द गे राइट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और जो क्लास बाउंड्रीज बनाई गई थी, 4 क्लास और 3 क्लास बाउंड्रीज, उन बाउंड्रीज को भी ख़त्म कर दिया जाता है, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये थी कि जितनी भी कंट्रीज़ के साथ यूके के अंदर, इटली के अंदर, फ्रांस के अंदर, जो सब सहारा रीजन के अंदर जो कंजर्वेटिव पार्टीज थी, उन क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टीज बनी थी ट्रेडिशंस के ऊपर, रिलीजन के ऊपर और कल्चर की बेसमेंट के ऊपर बनी थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये काम कम करके और इस मैनिफेस्टो को छोड़ के नया मैनिफेस्टो रखा, दैट वाज द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इम्प्रूवमेंट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर पीपल। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप को डिफरेंट फ्रूट्स देखे, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप ने लिबरल डेमोक्रेसी के, उसके में क्या क्या था, उसमें वही सब थी कि ओलिगार्ची जो है या लैंड ऑनर्स थे उनकी कम हो गई, और पीजेंट मेजॉरिटी और वर्किंग क्लास जो है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो गया, डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर इंटरप्रेन्योर कैपिटल एलीट्स आए जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हुई, यूनियनाइजेशन जो है ट्रेड यूनियन एंड फर्दर यूनियनाइजेशन विच वाज द इम्पोर्टेंट फॉर द लिबरल डेमोक्रेसी वो फर्दर इम्प्रूव हुई, फासिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म, मिटिगेट किया गया, उसके बाद कोल्ड वार का कॉन्सेप्ट कम्युनिज्म के थ्रू ख़त्म किया गया, उसके बाद कॉन्सेप्ट वोटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जिसको प्रैक्टिकल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहा जाता था, दो तरह की पार्टिसिपेशन हुई, फर्स्ट एंड सेकंड वेव के अंदर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इमर्ज हुई कि वो वोट दे सकते हैं, बट आफ्टर थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एक नई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ, दैट कि जो भी वर्किंग क्लास है, जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, वो सब के सब जो हैं वो प्रैक्टिकली इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ से जो है फिर मिडिल क्लास की इमर्जेंस हुई। अब यहाँ पे आपको एक और बात बताता चलूँ, मिडिल क्लास को मिडिल क्लास कहते क्यों है? सिंपल सी एक कहानी थोड़ी सी समझ लें कि मिडिल क्लास को मिडिल क्लास क्यों कहते हैं। मिडिल क्लास से ऊपर बोर्जवा क्लास है और मिडिल क्लास से नीचे पीजेंट क्लास है। अब मिडिल क्लास बीच के अंदर है। जो मिडिल क्लास थी ये पहले वर्क सिटी की वर्किंग क्लास थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होने की वजह से ये मिडिल क्लास दो डिवाइड हो गई, अपर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। जो अपर मिडिल में थे, जो सर्विसेज के अंदर लाइक हेल्थ डॉक्टर, इंजीनियर, एजुकेशनिस्ट में आ गए, वो अपर मिडिल क्लास में हो गए। जो इससे नीचे वाला सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आए, उसको लोअर मिडिल क्लास के अंदर हो गए। अब इनको मिडिल क्लास इसलिए कहा जाता था कि डिफरेंट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर मिडिल क्लास ने डिफरेंट टाइप्स के एग्रीमेंट्स किए। कैसे? कि जब मिडिल क्लास कभी भी लिबरल डेमोक्रेसी की डिमांड में थी ही नहीं। जब मिडिल क्लास माइनॉरिटी के अंदर था, वर्ल्ड में 20-30% था, दे वर विद अथॉरिटेरियन रिजीम के साथ थे। आहिस्ता आहिस्ता जब मिडिल क्लास की स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, तो इन्होंने अपना एग्रीमेंट चेंज करके
पीजेंट क्लास के साथ एग्रीमेंट कर लिया। अब पीजेंट क्लास के साथ एग्रीमेंट करने की रीजन क्या थी, उनके साथ एग्रीमेंट कल्चर करने की रीजन थी टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ फॉर टू अटेन रूल ऑफ लॉ एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। और अपर क्लास बोर्जवा के साथ या लैंड ऑनर के साथ इनका एग्रीमेंट की रीजन क्या थी कि ये माइनॉरिटी में थे और दे वांट देयर राइट्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइव्स एंड मिनिमाइज द रेजिस्टेंस फ्रॉम द बोर्जवा क्लास। अब इसलिए इनको मिडिल क्लास कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स मिडिल क्लास वुड ऑलवेज रिमेन अ स्मॉल एंड प्रिविलेज माइनॉरिटी इन द मॉडर्न सोसाइटी। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ कि मिडिल क्लास बढ़ती गई, एट सम टाइम एक टाइम में मिडिल क्लास मेजॉरिटी में आ गई। अब कुछ टाइम के बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हुई, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, मिडिल क्लास अगेन माइनॉरिटी में चेंज होती गई। अब यहाँ पे माइनॉरिटी पे चेंज होने की रीज़न क्या थी, रीज़न यहाँ पे ये थी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हुई, जो लो क्लास लेबर थे उनका काम टेक्नोलॉजी करने लग गई। और जब टेक्नोलॉजी करने लग गई तो पहले बात बता दी कि लेबर कॉस्ट पहले कम थी, इनकम इनक्वालिटी का मैकेनिज्म बढ़ता जा रहा था और ऊपर से फिर जाके टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की वजह से फर्दर अनएम्प्लॉयमेंट हुई, जिससे फर्दर इनकम इनक्वालिटी का मैकेनिज्म पैदा हो गया। उससे क्या हुआ, उससे जो मिडिल क्लास थी उनकी स्ट्रेंथ फिर कम होती गई और मिडिल क्लास जो है वो लोअर मिडिल के अंदर और लोअर मिडिल जो थे वो फर्दर वर्किंग क्लास के अंदर चेंज होते गए। रोनाल्ड इग्लेहार्ट साहब इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो कहते हैं इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन एंड मिडिल क्लास स्टेटस प्रोड्यूस पोस्ट मटेरियल वैल्यूज विच डेमोक्रेसी इक्वेलिटी आइडेंटिटी इश्यूज बिकम मोर प्रोमिनेंट। विलियम साहब भी यही कहते हैं कि जो मिडिल क्लास है उसके इमर्ज होने की मेन रीजन इकोनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशन, हेल्थ, स्टेबिलिटी एंड फर्दर पॉजिटिव इंडिकेटर्स थे। पहले बता चुका हूँ इन माइनॉरिटी दे वर डेमोक्रेटिक एंड जब भी मिडिल क्लास मेजॉरिटी के अंदर आई तो ये डेमोक्रेटिक हो गई। अब यहाँ पे हम एक फर्दर एक और कंसेप्ट समझते हैं और इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट इन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। This concept is very much related to populism. Clientelism है क्या? Clientelism basically है when the voters revolve around a charismatic political personality, not his political manifesto, political project and political agreement. अगर कोई भी कंट्री के अंदर वोटर किसी एक पर्सन की क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द घूमते हैं तो वो क्लाइंटलिज्म पॉलिटिकल पार्टी होगी, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, उसको क्लाइंटलिज्म पॉलिटिक्स कहा जाता है। बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा हुआ है पॉपुलिज्म का कॉन्सेप्ट। करंटली यूएसए के अंदर डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया के अंदर मिस्टर मोदी, पाकिस्तान के अंदर आईके और इस तरह के बहुत सारे कंट्रीज के साथ ये सारे इमर्ज हुए हैं। अब क्लाइंटलिज्म जो है दैट वाज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ पुअरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन अर्ली टाइम इन द बिगिनिंग ऑफ 20th century और लेट 19th century। अब इस क्लाइंटलिज्म के साथ क्या होता है, क्लाइंटलिज्म के साथ जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं
जो भी वोटर्स होते हैं वो पाकिस्तान के अंदर तो ये आपको एग्जिस्ट होता नज़र आएगा, जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि क्लाइंटलिज्म के अंदर इंडिविजुअल बेनिफिट्स के ऊपर काम किया जाता है, कि अगर आपके किसी पॉलिटिकल लीडर से रिलेशन है, आपने अपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स ले लिए और कलेक्टिव बेनिफिट्स को आप बैक एंड पे रख दिया। तो यहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे सोशल मोबिलाइजेशन इंडिकेटर्स बेहतर हुए, उससे क्या हुआ, उससे लोगों को ये समझ आ गई, इट डिक्लाइन एज वोटर बिकेम वेल्दियर बिकॉज वोटर सी देयर इंटरेस्ट टाइड अप विद ब्रॉडर पब्लिक पॉलिसीज रैदर देन इंडिविजुअल बेनिफिट्स। और यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ दैट द स्ट्रगल ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स नंबर्स मीन्स स्ट्रेंथ इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड सोशल स्टेटस। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या नजर आता है। फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है जो ओवर प्रोडक्शन के बाद इमर्ज हुआ, दैट वाज ग्लोबलाइजेशन। एंड करंटली ग्लोबलाइजेशन इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन में डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज मिलकर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसकी छोटी सी एग्जाम्पल देता, चलो क्लाइमेट चेंज का इशू है। अब क्लाइमेट वल्नरेबल जितने भी कंट्रीज आपको टॉप एट्स में नजर आते हैं वो सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश आपको नजर आता है इसमें, नेपाल, श्रीलंका, आपको ये सारे कंट्रीज नजर आते हैं। आप देखें आपको डेवलपिंग कंट्रीज की तादाद नजर आएगी, फिलीपीन, आपको डेवलप्ड कंट्रीज नजर ही नहीं आते। अब मैं अगर बात करूं, अगर हम नेशनलिज्म के, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का अपोजिट नेशनलिज्म है, अगर हम नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करें तो हर कंट्री तो ये कहेगा कि मैं तो अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करता रहूंगा, फॉसिल फ्यूल यूज करने हुए मैं करूंगा, क्लाइमेट चेंज हो मुझे तो कोई मसला नहीं है, क्लाइमेट चेंज वल्नरेबल कंट्रीज लाइक ड्रॉट, फ्लड्स, हीट वेव्स, वाइल्ड फायर्स, ये सारे जितने भी हैं ये तो डेवलपिंग के अंदर आ रहे हैं, फूड इनसिक्योरिटी डेवलपिंग को आ रही है। बट ग्लोबलाइजेशन क्या कहती है, ग्लोबलाइजेशन कहती है कि नहीं, कि ये जो सारी चीजें हैं ये इंडस्ट्रियलिस्टिक कंट्रीज की वजह से हैं, पाकिस्तान वल्नरेबल कंट्रीज में आता है। हालांकि पाकिस्तान का वर्ल्ड की क्लाइमेट चेंज के अंदर फॉसिल फ्यूल्स का जो हिस्सा है वो 1% से भी कम है, बट पाकिस्तान वल्नरेबल कंट्री है, बांग्लादेश इसी तरह है। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है कि ये सारे कंट्रीज इकट्ठे बैठते हैं और इससे सॉलिडैरिटी डेवलप होती है कंट्रीज के अमंग। और उसके बाद फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी स्टेक के ऊपर है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। आप यूएसए में चले जाएं, आपको डोनाल्ड ट्रंप साहब के अंदर कैपिटलिज्म नजर आएगा, और कैपिटलिज्म में रॉन्ग कॉन्सेप्ट नज़र आता है, जो मेक्सिको वॉल से आपको कॉन्सेप्ट मिलता है डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा कि आपके जितने भी बेनिफिट्स हैं यूएसए को का, कि आपके जितने बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे तो दूसरे कंट्रीज लेके जा रहे हैं, आपकी जितने भी कंट्रीज के अंदर प्रोडक्शन होती है वो दूसरे कंट्रीज के अंदर चली जाती है, आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है और इनकम इक्वालिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, मेक्सिको वार लगा दिया कि मेक्सिको के लोग इधर नहीं आएंगे और उनके रिसोर्सेज यूज नहीं करेंगे। और क्या हुआ कि नेशनलिज्म एंड पॉपुलिज्म का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। अब ये क्यों इमर्ज हुआ, इसके इमर्ज होने की सबसे एक बड़ी वजह जो है, बट दैट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो यूएसए समझता है कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांस हैं, रिसोर्सेज हैं, हम वर्क करते हैं और हमारा बेनिफिट जो है वो ले जाता है दूसरे कंट्री। और इसी वजह से आप देखें कि यूएसए ने क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी फंड से अपना हाथ उठा लिया, क्लाइमेट चेंज के कंट्रीज जितने भी थे उनमें से हाथ उठा लिया कि हमें हम वल्नरेबल भी नहीं है, फिर भी हम बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन डेवलप्ड कंट्रीज विल डिपेंड ऑन देयर एबिलिटी टू लीड विद प्रॉब्लम ऑफ डिसअपेयरिंग मिडिल क्लास, कि जो मिडिल क्लास डिसअपेयर हो रही है, इनकम इक्वालिटी जो है वो बढ़ रही है, तो उस
तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन डेवलप्ड कंट्रीज। और इसका सॉल्यूशन भी देते हैं। सॉल्यूशन क्या देते हैं? सॉल्यूशन देते हैं द ओनली लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑफ मिडिल क्लास डिक्लाइन वुड बी एन एजुकेशनल सिस्टम दैट। अब एजुकेशन सिस्टम के अंदर वो बात करते हैं, वन इज नॉलेज इकॉनमी, सेकंड इज स्किल्ड इकॉनमी। और बात करते हैं कार्ल मार्क्स साहब के दोनों इकॉनमीज होने चाहिए। पाकिस्तान की इकॉनमी क्यों नहीं इंप्रूव कर रही कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर सिर्फ नॉलेज इकॉनमी आपको नजर आती है, स्किल इकॉनमी तो आपको नजर ही नहीं आती। उसकी वजह से क्या होता है? अच्छा, इसकी एक सबसे बड़ी फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी की डिक्लाइन की एक बहुत बड़ी वजह दैट इज रिजिडिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन। अगर आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर चले जाएं तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर आपको सबसे मेन चीज इंस्टीट्यूशन नजर आता है कि अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर आपको इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग नजर आएंगे तो आपको वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी नजर आएगी। मैं पहले एक लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ, थोड़ा सा उसको बता देता हूँ कि अगर कोई कंट्री ये सोचता है कि जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, यंग लेबर, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हैं, बट इन सब चीज़ों के बराबर का इम्पोर्टेंट है दैट इज द स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और डेवलपिंग कंट्रीज के बैकवर्ड होने की सबसे बड़ी रीज़न यही है कि उनके इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, लिजिटिमेट नहीं है, रिजिड इंस्टीट्यूशंस हैं, और वो रिजिड इंस्टीट्यूशन जो है वो टाइम टू टाइम चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करते, और जो जब चेंजेस को अडॉप्ट नहीं किया जाता तो फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर डिफ़िकल्टीज आती हैं। पाकिस्तान के अंदर देखें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुई जिसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं, इकोनॉमिक डिक्लाइन आपको नज़र आता है। उसके बाद वो बात करते हैं, अगर हम इसको फाइनली कंक्लूड करें कि वो कहते हैं सिस्टम वंस वाज सक्सेसफुल एंड स्टेबल लिबरल डेमोक्रेसी डज नॉट मीन इट विल रिमेन वन इन परपीचुटी। कि अगर आपने एक बार लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम डेवलप कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिस्टम डेवलप रहेगा, आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेनी पड़ेगी, बट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ आपने बैलेंस ऑफ द स्किल्ड लेबर भी रखना है ताकि आपकी मिडिल क्लास डिक्लाइन ना हो, बिकॉज फॉर लिबरल डेमोक्रेसी मिडिल क्लास इज द मेन एक्टर टू इन्फ्लुएंस दैट लिबरल डेमोक्रेसी। तो आपने मिडिल क्लास को नहीं छोड़ सकते, तो फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो स्टेक पे जा सकती है अगर मिडिल क्लास मजीद डिक्लाइन हो जाएगी, ग्लोबलाइजेशन को प्रॉपरली इंश्योर नहीं किया जाएगा, टेक्नोलॉजिकल एंड स्किलेबस के अंदर बैलेंस नहीं रखा जाएगा, इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस रहेगा और इंस्टीट्यूशनल रिजिडिटीज़ जो है वो होती रहेंगी, इंस्टीट्यूशनल को अगर इलास्टिक नहीं किया जाएगा ताकि वो चेंज को अडॉप्ट कर सकें, चेंज की इंस्टीट्यूशनल अडेप्शन अगर उनके अंदर डिफ़िकल्ट हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी, तो आपकी फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो स्टेक पे चली जाएगी। क्योंकि इससे क्या होगा, इन सब चीज़ों से पुराने कॉन्सेप्ट नेशनलिज्म, फासिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म, कैपिटलिज्म, वो सारे कॉन्सेप्ट फिर इमर्ज होंगे जो फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। अब इसके बारे में मज़ीद किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। हमारे डेमोक्रेसी के जो सीरीज़ के चारों लेक्चर्स थे, वाई डिड डेमोक्रेसी स्प्रेड, द लॉन्ग रोड टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी फ्रॉम 1848 टू अरब स्प्रिंग, एंड लास्ट मिडिल क्लास एंड द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप इस लेक्चर को सुनने से पहले जो पिछले तीन लेक्चर्स हैं वो आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे, आप उनको पढ़िए। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।